मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके मध्य राजनीतिक मुद्दे पर एक वीडियो लेकर के आया। मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट। चाहता हूँ कि समय समय पर आप सभी को कुछ नए थॉट्स, कुछ नए प्रोसेस के साथ अवगत कराता रहूँ, जितना मेरा रिसर्च एनालिसिस करता है। बात आती है लोकसभा चुनाव 2019, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पोल्स होने वाले, इलेक्शंस होने वाले अप्रैल महीने से, जिसकी रिजल्ट 23 मई सुनिश्चित की गई। मित्रों आपने देखा होगा कि राजनीतिक जीवन में उथल पुथल मच गया। आप लोग देख रहे होंगे कि केवल एक ही दो पार्टियां नजर आ रही, बाकी सब पार्टियां कहाँ चली गई। कहीं वो अपना अस्तित्व गठबंधन के नाम पर कहीं अपना अस्तित्व तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं वह गठबंधन के नाम पर स्वयं को ठग तो नहीं रही है। यह एक अवश्य ही विश्लेषण का तथ्य है। अवश्य ही हम, मुझे ही नहीं, जितने लोग हैं उन सभी को चाहिए कि इस पर बैठ करके थोड़ा समय दिया जाए। क्या आप नहीं देख रहे हो किसी एक व्यक्ति विशेष, क्या इसी एक पार्टी को लेकर के जितनी बाकी पार्टियां, जिनका उद्देश्य ही था कि राजनीति में नया कदम लाया जाए, राजनीति में नया दिन शुरू किया जाए, राजनीति में नया प्रकाश लाया जाए, वो सब क्या अपना ऑब्जेक्टिव, क्या अपना उद्देश्य भूल चुकी हैं? तो सबको पुनः सोचना पड़ेगा। देखो जितनी राजनीतिक पार्टियां, सबका उद्देश्य है एक संगठित भारत, एक समृद्ध भारत। यही सारी राजनीतिक पार्टियों का मुख्य मुद्दा रहा है। लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ सारी राजनीतिक पार्टियां क्या किसी एक पार्टी को, पता नहीं, अच्छा कर रही, गलत कर रही। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी बहुत अच्छा कर रही, मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत बुरा कर रही, क्या कर रही मुझे नहीं पता। लेकिन क्या बस सारी पार्टियों का उद्देश्य एक पार्टी को हरा देना है, या उसको गिरा देना, या उसको खत्म कर देना है? नहीं। बीजेपी ने बुद्धिमानी की, उसने केवल एक पार्टी को टारगेट पकड़ा, कांग्रेस को, बाकी और किसी को नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर पेड़ के आप जड़ में अगर आप पानी देंगे तो पत्तों तक, उनको पता था कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी, उसी को टारगेट करूंगा तो बाकी सब लोग इम्पैक्टेड होंगे उससे, और डेफिनेटली सभी उस पर आकर के सब लोग उसी पेड़ पर बैठ जाएंगे जिसको मैंने टारगेट किया। तो नरेंद्र भाई मोदी की यह चाल तो एकदम सक्सेसफुल रही। अब आती है मुद्दे की, बाकी इस गठबंधन में जो बाकी के लोग फंसना चाहते तो फंस चुके हैं। कैसे फंस चुके आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी पार्टीज के बड़े बड़े मुखिया जो संस्थापक थे, आज वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। चुनाव नहीं लड़ने का बहुत सारा कारण, पहला तो यह है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 1/6 अगर वोट नहीं मिली है, टोटल वैलिड वोट का 1/6% नहीं मिलता है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। हिस्ट्री में, विकिपीडिया पर आपके लिख दिया जाएगा, इस चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में जो 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा इलेक्शन, उसमें इन महानुभावों की यह स्थितियां रही हैं। इनको इतने वोट मिले, इनको इतने परसेंटेज मिले, तो एक तो लोग अपनी इज्जत छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं, और अगर मैं दूसरी बात कहूं तो हर बार जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपको फॉर्म 15 भर कर देना पड़ता है। एक तो प्रतिज्ञा पत्र होता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे ये, उसके साथ साथ आपको ये भी लिख कर देना होता है मेरी संपत्ति कितने अकाउंट हैं, कितने अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना सोना है, कितनी गाड़ी, आपकी निजी संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक अर्थात अपने पत्नी या अपने पति, अपने बच्चों की संपत्ति भी आपको देनी होती है। अगर आपने गलत दी तो 420 में आपको जेल जाना पड़ेगा, उस पर भी चेकिंग होती है। तो पिछले 2014 में इनके पास जो संपत्ति थी, पिछले 5 वर्षों में संपत्ति बढ़ी कि घटी, क्या हुई, उससे मुझसे नहीं लेना देना। लेकिन अवश्य ही ये लोग कुछ छुपाना चाहते हैं, और कुछ ऐसी जानकारी छुपाना चाहते हैं जो देश की जनता जान जाएगी तो इनको एक भी वोट नहीं देगी। आप जानते हैं कि आपका जो कंस्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार आपके यहाँ खड़ा है, आप उसकी आय जान सकते हैं, आप उसकी सोने की वैल्यू जान सकते हैं, कितना सोना उसके घर में, कितनी गाड़ी है, कितना पैसा कमाता है, कितना रखा उसका परिवार में, कितना इनकम, सब जान सकते हैं। इसी चीज़ को छुपाने के लिए भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग चुनाव नहीं लड़ते। तो मित्रों मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद राजनीतिक उथल पुथल तेज़ी से मचा है, और लोगों के बीच में काफ़ी इंथुजियाज्म है, काफ़ी इंटरेस्ट है राजनीति को जाने। पहले लोग छोड़ देते, भाई दिस इज़ नॉट माई मैटर, ये मेरा काम नहीं है, छोड़ दो, ये उनका काम जो पैसे वाले हैं या जो समाज सेवक है, इस तरीके से उनको लोग प्रेरित करते। लेकिन नहीं है, अभी छोटा 18 साल का एक लड़का
से लेकर के 80 साल के अंतर तक सभी मिलजुल करके राजनीति को बहुत ध्यान से लाइव जैसे कोई मैच देखा जाता है उसी तरीके से देखते रहते हैं। लोग रोज अपडेट जानना चाहते हैं इसके बारे में। इसका कारण यह है नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक्टिव पॉलिटिकल लीडर का पिक्चर में आना और आने के बाद भारत देश को, भारत राष्ट्र को एक नई दिशा दे रहा है। देखते हैं आगे और क्या होता है। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।